हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परमर होममेड में। और आज हम बनाने वाले हैं चाइनीज़ पकोड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चाइनीज़ पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्सर तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने 1 कप पत्ता गोभी ली है, जिसे हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। और साथ में यहाँ पर आधा कप हमने स्प्रिंग अनियन भी ली है, हरी प्याज ली है जिसे भी हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और साथ में आधा कप यहाँ पर हमने गाजर भी लिया हुआ है। और दोस्तों गाजर को भी अच्छे से हमने कद्दूकस कर लिया है। और दोस्तों मिक्सर बनाने के लिए सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। और यहाँ पर हमने तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। और अभी हम इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और साथ में 3 से 4 तीखी वाली हरी मिर्च है जिसे हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो भी ऐड करेंगे। और दोस्तों साथ में यहाँ पर हम 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस भी ऐड करेंगे। और 2 चम्मच रेड चिली सॉस ऐड करेंगे। और साथ में 1 चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस ज्यादा नहीं डालेंगे, 1 चम्मच डालेंगे। और साथ में 2 चम्मच टोमेटो सॉस भी ऐड करेंगे। और दोस्तों यहां पर हम 1 चम्मच व्हाइट विनेगर का यूज कर रहे हैं। और सभी मसालों को और सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। और दोस्तों देख सकते हैं यहां पर हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और फाइनली अभी हम इसमें मैदा ऐड करने वाले हैं। और यहाँ पर हम आधा कप मैदा ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा करते हुए मैदा ऐड करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम आधा कप मैदा यूज़ कर रहे हैं। इस तरह थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करके अच्छे से इसको मिला लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमने मैदा भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। चुटकी भर बेकिंग पाउडर ऐड किया है। और साथ में 1/2 चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों साथ में यहाँ पर 1 चम्मच हम रेड फूड कलर भी ऐड करने वाले हैं। और ये ऑप्शनल है दोस्तों, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, बाकी इसे स्किप भी कर सकते हैं। और सभी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिला लेंगे। और दोस्तों इसको अच्छे से मिलाना पड़ता है, जैसे कि हमारा रेड फूड कलर है वो सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा जो ये मिक्सर है वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए। और दोस्तों देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें हार्ड भी नहीं चाहिए, बहुत स्मूथ नहीं, बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और दोस्तों ये जो हमारा मिक्सचर है वो तैयार हो गया है फ्राई करने के लिए। और दोस्तों अभी हम इसे फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने कढ़ाई को पहले से ही मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। और यहाँ पर हमने इसमें तेल लिया है और तेल को हल्का सा हम गर्म होने देंगे। और दोस्तों तेल जो है हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। और अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा मिक्सर डालते हुए अच्छे से चाइनीज़ पकौड़े फ्राई कर लेंगे। इस तरह साइड में से थोड़ा थोड़ा मिक्सर ऐड करेंगे दोस्तों, जैसे कि जो ये ऑयल है वो इसके छींटे ना उड़े। एंड दोस्तों बी केयरफुल, ये बहुत ही गर्म है। और इस तरह थोड़ा थोड़ा मिक्सर ऐड करते हुए हम अच्छे से पकौड़े फ्राई कर लेंगे। और दोस्तों इससे फ्राई करते समय जो फ्लेम है वो मीडियम पर ही रखनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी है और कम भी नहीं, बिल्कुल मीडियम पर ही रखनी है, जैसे कि ये जो पकोड़े हैं वो जल ना जाए और अंदर से भी अच्छे से पक जाए। और ये फाइनली दोस्तों जो हमारे पकोड़े हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। और इसे अभी हम बाहर निकाल लेंगे और इस तरह हम जो मिक्सर तैयार किया है उसमें से सभी पकोड़े तैयार कर लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये फाइनली दोस्तों ये हमारी रेसिपी चाइनीज पकोड़े तैयार हो गए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं और बहुत ही टेस्टी भी बने हैं। इस तरह आप अपने घर पर बनाएंगे तो आपके भी पकोड़े बहुत ही बढ़िया बनने वाले हैं। आप इसे रेड टोमेटो सॉस के साथ और दोस्तों आप इसे रेड चटनी के साथ या फिर टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि ऐसे ही वीडियो के अपडेट आपको रोजाना मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पर। थैंक यू फ्रेंड्स।